हेलो एवरीवन, आयशा की ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मैं सबसे बोलना चाहूँगी आप लोगों से जितने भी यूट्यूब पर हैं कि मेरे पास हस्बैंड है और वो मेरी बहुत केयर करते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ कोई भी मुझे आई लव यू कमेंट्स में नहीं लिखें और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें क्या आपके घर में बहू बेटी नहीं है और मैं शादीशुदा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी मुझे शादी के लिए प्रपोज ना करे। मेरे हस्बैंड को छोड़कर दुनिया के जितने भी मेन हैं सब मेरे भाई हैं और अपने कलाई राखी के लिए तैयार रखे। तो प्लीज़ इस तरह का कमेंट्स ना करें, मेरे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ना करवाएं। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, वो समझेंगे मुझे क्योंकि मैं इस तरह की हूँ नहीं। तो लेकिन जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब से जब से मैंने यूट्यूब बनाया है कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं बोली है और मैंने अपने हस्बैंड की भी साथ में वीडियो डाली है और इसी तरह से मतलब हर जगह शो किया है कि मैं मैरिड हूँ। लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आती है या दुनिया में लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं जो आप इस तरह से जो प्रपोज कर रहे हैं? भाई आप जो भी हो जैसे भी हो तो प्लीज़, मैं इन सब चीज़ों में बहुत इच्छुक हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तो अपना काम करती हूँ यूट्यूब पर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी लड़की को कुछ भी बोल दो। शर्म नाम की चीज़ है अगर आपकी बहन से कोई ऐसे बोले। मैं बहुत ज़्यादा, जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी सपोर्टिंग है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं आप अपनी राय लिखिए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। और मेरे हस्बैंड का फ़ौरन मैसेज आया तो मैं तो उनका मूड समझ गई, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ये क्लियरली नहीं है। तो प्लीज़ मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो इस तरह के आप शब्द, इस तरह की चीज़ें ना लिखें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस तरह की चीज़ों से। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ भी समझ लें, मुझे अपना काम करने दें। इस तरह की कोई भी बदतमीजी ना करे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।